किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उसमें आपको जो नर्सरी है वह घर पर तैयार करना चाहिए या फिर आर्डर से मंगाना चाहिए। तो काफ़ी सारे किसानों का यह मन में सवाल होता होगा कि जो आर्डर से नर्सरी करते हैं उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन आता होगा, ज़्यादा कंसे आते होंगे, तो कौन कौन सी परिस्थिति में आपको आर्डर से नर्सरी मंगाना चाहिए, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, उसके बारे में हम ए टू जेड डिटेल आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो आप यह नर्सरी देख पा रहे हैं कि हम यह जो आर्डर से जो टमाटर की नर्सरी है वह हम मंगाए हुए हैं और साथ में आधे हिस्से का जो टमाटर है वह हम घर पर तैयार करने वाले हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि हम घर पर भी तैयार करते हैं और आर्डर से भी मंगाते हैं। तो जो दोनों का जो एक्सपीरियंस है वह हम आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, हम खुद भी आधे हिस्से में हम आर्डर से मंगाए हैं और आधे हिस्से में हम घर पर तैयार करने वाले हैं। तो हमारा जो रणनीति है, हमारा जो मानसिकता है वह हम वीडियो के अंत में जानने वाले हैं। तो किसान साथियों, अगर आप घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें आपको एक सही जगह की आवश्यकता होती है या फिर आप खेत में डालते हैं तो खेत में उसमें आपको पानी समय समय पर देना होता है और अधिक बारिश होने की स्थिति में वहाँ पर पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कई सारी जो समस्याएं हैं वह आती है और साथ में जो जर्मिनेशन है वह भी कभी कभी ठीक तरीके से नहीं हो पाता। कभी कभी तो 100% हो जाता है लेकिन कई समय पर सही तरीके से जर्मिनेशन या आप कह लीजिए कि सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते और साथ में अगेती खेती करते हैं, ऐसे में धूप काफ़ी ज़्यादा होती है। तो घर पर जो नर्सरी तैयार करना है वह बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप एक सही समय पर, मान के चलिए कि फसल की सही समय पर अगर आप कोई भी फसल लेना चाह रहे हैं, कई किसानों का यह मानना रहता है कि हम आर्डर से नर्सरी मंगाते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन है वह ज़्यादा आने वाला है और भी काफ़ी सारा जो फायदा है वह होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यह क्लियर कर दूं कि उसमें आपको मेरे हिसाब से ज़रा भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला अगर आप घर पर तैयार करते हैं तो या फिर आप आर्डर से नर्सरी मंगाते हैं। तो इसमें फ़ायदा यही है कि उसमें आपको मात्र भूमि की तैयारी करना होता है, उसके बाद आप डेट को आप आर्डर लगाए रहते हैं उस डेट को आता है और आप सीधा ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो वैसे में आपको जो घर पर नर्सरी तैयार करने की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वैसे में क्या होता है कि कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। अभी हम जो टमाटर लाए हुए हैं वह 1.40 रुपया प्रति पौधा के हिसाब से हमको पड़ा है। वहीं पर कुछ मिर्च अभी हम मंगाए हुए हैं वह 1.75 रुपया हमको पड़ा है। यह जो हमारा टमाटर की वेरायटी है वह नामधारी 962 है, तो वेरायटी के हिसाब से भी इसमें जो रेट है, प्राइस है, उसमें अंतर रहता है। अलग अलग वेरायटी होती है, उसका जो प्राइस है उसमें आपको और कम या फिर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप घर पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, तो वैसे स्थिति में आप घर पर ही नर्सरी तैयार कर ले, आपको बाहर से आर्डर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको घर में जो नर्सरी तैयार करने में समस्या आती है या फिर आप ठीक तरीके से तैयार नहीं कर सकते, वैसे परिस्थिति में आप आर्डर लगा सकते हैं। अगर आप आर्डर लगाते हैं किस तरीके से लगाना होता है, 20-25 दिन 30 दिन पहले, आप उससे पहले और कितना भी दिन पहले आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 20-25 दिन पहले आपको जो आर्डर है वह देना होता है, तब वहाँ पर जो नर्सरी है वहाँ पर तैयार किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही बात है कि आपको अगर लगता होगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन आता होगा अगर आर्डर कर मंगाते हैं तो, क्योंकि कई किसान कभी मंगाए ही नहीं हैं आर्डर से, घर पर ही नर्सरी तैयार करते हैं, तो उन किसानों का यह मानसिकता रहता है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, अगर आप घर पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खर्च ना करें। अब हमारा जो मानसिकता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल कर दूँ। हमारा जो टमाटर है वह 21 जून को ट्रांसप्लांट हो चुका था, तो वैसे में कम से कम 20-25 दिन नर्सरी तैयार होने में लगता है। आप देख सकते हैं कि लगभग मई के लास्ट वीक में हम अगर नर्सरी डालते हैं तब 21 जून के लिए हमारा जो टमाटर की नर्सरी है वह तैयार होता है। तो उस समय टेम्परेचर कितना होता है आप समझ सकते हैं, तो टेम्परेचर की वजह से नर्सरी ठीक तरीके से तैयार नहीं हो पाता, काफ़ी सारी दिक्कतें उठानी पड़ जाती है। तो इस वजह से हम आधे क्षेत्र का जो नर्सरी है वह हम आर्डर किए हुए हैं और जो ट्रांसप्लांट है वह भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो पानी पूरा भरा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश जो है पिछले 2-3 दिनों से हुई नहीं है, तो पौधा हमने अभी हाल ही में ही इसका रोपाई किया हुआ है, तो बराबर नमी बना रहा है। इस वजह से हमने जो पानी है उसको भर कर रखा हुआ है, क्योंकि हम बगैर
ड्रिप के साथ टमाटर की खेती कर रहे हैं। इस वजह से हमको नमी मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो पौधा जो है मर जाएगा। और आधे क्षेत्र का जो टमाटर है वह हमने इसी वजह से हम घर पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम आधे क्षेत्र का जो टमाटर है उसको थोड़ा लेट करने वाले हैं, तो इसमें जो है लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप मान के चलिए एक एकड़ पर कर रहे हैं 4 से 5 हज़ार में आपके आसानी के साथ जो आप घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो हो जाता है, और वैसे में अगर आप ऑर्डर करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, 10 से 12 हज़ार के आसपास आपको बिल्कुल ही प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ने वाला है। तो यह कुछ चीज़ें हैं, और कुछ ऐसे चीज़ है जिसको आप ऑर्डर कर कर ही मंगाना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो लार्ज स्केल पर कर रहे होते हैं वह किसानों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वह ऑर्डर से ही जो नर्सरी है उसको मंगा, लेकिन इसमें एक दो चीज़ों का फायदा भी आपको देखने को मिल जाता है। पर आप जो नर्सरी है उसको देख पा रहे हैं, इसका जो हाइट है वह काफ़ी छोटा है, लेकिन जैसे कि आप यह पौधा देख पा रहे हैं, यह पौधा जो है इसका जो तना है उसको देख पा रहे हैं कि कितना मोटा है और बहुत ही बेहतरीन है। तो यह चीज़ होती है, और इसमें जो शाखाएँ हैं वह भी जो नज़दीक से वहाँ से निकलते हैं और कण से इसमें अधिक मात्रा में आते हैं, और उसके साथ यह जो है पॉली हाउस पर तैयार किया जाता है, और सभी तरीके से यह स्वस्थ होता है, और इसके जो जड़ है वो सभी जड़ों के साथ जो है ट्रांसप्लांट होता है, उसकी वजह से जो इसका ग्रोथ है वह एक अलग ही लेवल पर रहता है, और इसमें जो शाखाएँ हैं वह भी अधिक मात्रा में आते हैं। तो यह थी, अगर आप ऑर्डर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, और आप घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको क्या बाहर से ऑर्डर करना चाहिए या फिर घर पर नर्सरी तैयार करना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल हो चुका होगा। तो बस किसान भाई, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।